सबसे पहले आपको econnection.dhbvn.org.in वेबसाइट ओपन करनी होगी। उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन के लिए आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको सर्कल फिल करना होगा, जिस भी सर्कल में आप रहते हो वो फिल करना है। सब डिवीज़न में आपका जो बिजली है ऑफिस है वो किस सब डिवीज़न में आता है वो उसको क्लिक करना है, वो फिल करना है। यहाँ पे कैटेगरी आप घर के लिए ले रहे हैं बिजली, तो हम कैटेगरी के लिए डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लेंगे। डेट आप जिस दिन फिल कर रहे हो फॉर्म उसी दिन की ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर आपको न्यू कनेक्शन चाहिए, न्यू कनेक्शन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके नीचे एप्लीकेंट डिटेल्स आ जाएगी। एप्लीकेंट टाइप आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल मतलब एक ही उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका क्योंकि कोई ऑफिस नहीं है या कोई फिर गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है उसके लिए इंडिविजुअल सिलेक्ट नहीं करते हम, घर के लिए हम अपना इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद आपका है इंडिविजुअल नेम, आपका मैसेज आ जाएगा, फर्स्ट नेम मिस्टर है या मैसेज है, जिसके भी नाम पे आपका जो घर है उसी का नाम आएगा और उसका नाम मिस्टर मिसेज जो भी, और नेक्स्ट कॉलम में उसका नाम आ जाएगा। फिर फादर और हस्बैंड नेम पर्सन, जो जिस भी पर्सन का फिल करोगे उसके हस्बैंड या फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या देना, पैन कार्ड देना, आधार कार्ड देना। मैं यहाँ पर आधार कार्ड अपना फिल कर रही हूँ। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस डिटेल मांगेगा ये, जहाँ पे भी आपको न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपके ये फुल एड्रेस मांगेगा। तो यहाँ पर हम अपना फुल एड्रेस फिल कर देंगे, जो जिस भी फिल्म में ये मांगेगा, हाउस नंबर मांग रहा है, एड्रेस लाइन, आपका लैंडमार्क क्या है, सिटी या विलेज क्या है आपका, पिन कोड, ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी होंगी। और जो भी यहाँ पे रेड उसमें आया हुआ है, जिस भी फील्ड में आपका रेड मार्क है, इसका मतलब वो फील्ड आपको मैंडेटरी है, वो आपको भरनी ही होगी। ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है, क्योंकि ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके ईमेल पर ही आए। फिर आपको मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी आपके मैसेज आएंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे, जो भी आप रजिस्टर्ड करोगे यहाँ पर। और बाद में आपका आधार नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो भी डिटेल डालोगे, पैन कार्ड डालोगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर दी। क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, जो भी हम एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स देंगे वो सारी चीज़ें हमारी मैच होनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर कोई भी चीज़ हमारी मैच नहीं हो रही है तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसी टाइम आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आधार नंबर मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस है तो हम सेम एज अबव आपने जो ऊपर दिया हुआ है उस पर टिक कर देंगे, अगर आपका सेम एड्रेस है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेम एज अबव पे टिक नहीं करेंगे, आपका अलग एड्रेस हम इस फील्ड में भर देंगे। मैं यहाँ पर अपना अलग से एक और एड्रेस फिल करूँगी, क्योंकि अगर न्यू घर है और आप वहाँ पर नहीं रह रहे, आप अलग एरिया में रहते हैं, तो हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दूँगी। इसके बाद हम अप्लाइड लोड, इसके बाद क्या करना है, आपको कितने लोड की ज़रूरत है घर के लिए, लोड कनेक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए फिल करेंगे तो सबसे फ्रंट पेज पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कैसे आपको लोड कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर 2 किलोवाट का जो लोड है वो ले रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आइटम है और आप कम लोड अप्लाई कर रहे हो वो भी फिर आपका मान्य नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा जब इंक्वायरी होती है। तो मैं यहाँ पर 2 किलोवाट का अपना लोड ले रही हूँ।
और यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ सप्लाई मीटरिंग इक्विपमेंट में डिपार्टमेंट, और पर्पज़ ऑफ सप्लाई हो गया आपका फॉर होम यूज़। आप होम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम होम यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है क्योंकि आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सेव करने करके आपको ड्राइव में रखनी होगी। तो मैंने पहले से ही आधार कार्ड और फ़ोटो दोनों इसमें सेव कर ली थी। और प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको डिक्लेयर करे कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हों, जैसे आपके रजिस्ट्री हो गई या फिर आपका कोई और दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको ये लगे कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके ही नाम पर है। तो मैं यहाँ पर अपने रजिस्ट्री का जो है वो प्रूफ यहाँ पे अटैच कर रही हूँ प्रूफ ऑफ ओनरशिप में। और हर एक जो भी फाइल आप सेलेक्ट करोगे वो PDF फाइल होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑप्शनल है क्योंकि आप न्यू कनेक्शन ले रहे हैं, तो आपको ये वाले अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर इस लास्ट स्टेप हमारा ये कैप्चा दिया है, नंबर दिया है, उसमें हम ये एंटर कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर्म, मतलब आपका सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा गया है। और आपको क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका फ़ीस का रह जाता है क्योंकि फ़ीस भी आपकी ऑनलाइन ही सबमिट होती है। ये मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना नहीं भरा था, ये रह गया था, इसलिए फीस जो हम अप्लाई कर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म को, ये एरर शो हो गया है उसमें। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरूँगी। फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको क्या करना है, फ़ीस सबमिट का ऑप्शन आएगा क्योंकि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो न्यू कनेक्शन के लिए तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपना फ़ीस जो है वो पेड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो फिर आप दोबारा वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें न्यू कनेक्शन के लिए तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आप फ़ीस पेड कर दें। अब मैं अप्लाई करूँगी तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का ही आएगा। और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कटवा सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कटवा सकते हैं, गूगल पे, कोई भी UPI यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। आप साथ के साथ ही कटवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका कोई काम नहीं रह जाता है, जो भी सब डिवीज़न में आपकी एप्लीकेशन जाएगी वो वेरीफाई होकर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका सारा डेटा है वो आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपको इस दिन हम जो है इंक्वायरी करने आएंगे। सर ये सारी चीज़ें आपको सब डिवीज़न से अपने आप पता चल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए। अभी हमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और फीस जो है वो भी बहुत ही बजट में रहेगी हमारी। और इससे मीटर का जो कनेक्शन है वो भी इसके साथ ही आ जाता है, मीटर की जो सिक्योरिटी है अलग से हमें सिक्योरिटी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं यहाँ पर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एक बार से फिल कर देती हूँ और इस चेकबॉक्स को क्लिक करके ये कैप्चा एंटर किया मैंने और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अप्लाई करने के बाद आपके पास से विंडो और पेमेंट की डिटेल आ जाएगी और एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएगा। एप्लीकेशन यस सबमिट पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फ़ीस आपकी पेमेंट ऑनलाइन होगी, आप किसी भी पेमेंट मोड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जब फ़ीस हो जाएगी तो आपकी जो नेक्स्ट विंडो आ जाएगी वो आपका पेड सक्सेसफुली आ जाएगा और नीचे ऑप्शन भी आ जाएगी कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, फीस पेमेंट, और ये आपका सक्सेसफुल अप्लाइड हो गया और ट्रांजैक्शन नंबर, पेमेंट, सब कुछ आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। थैंक यू।